हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी सेंट्रल। आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूम ब्रेक सिस्टम। अब जैसा कि मैं आप लोगों को ब्रेकिंग सिस्टम के सीरीज पढ़ा रहा था, जिसमें हमने पहले देखा ड्रम ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम्स, देन आफ्टर हमने ये देखा कि एयर ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वैक्यूम ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है और इसके कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपने उसमें पढ़ा था हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, हमने वहाँ पे ब्रेक फ्लूइड का यूज़ करके वहाँ पे हमने ये सीखा था कि उसके वर्किंग कैसी होती है और कैसे ब्रेक अप्लाई होता है। फिर हमने पढ़ा ये एयर ब्रेकिंग सिस्टम, तो एयर ब्रेकिंग सिस्टम में हमने एटमॉस्फेरिक एयर को लेकर हम वहाँ पे कंप्रेस एयर को भेजते थे अपने ब्रेक चैम्बर तक, तब वो हमने ये पढ़ा कि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे थी। आज की वीडियो में ये पढ़ेंगे कि जो वैक्यूम हम कैसे क्रिएट करते हैं, या फिर ये कहना चाहिए कि वैक्यूम के हेल्प से हम कैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन है और इसके कौन कौन से मैकेनिज्म यूज होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि वैक्यूम ब्रेक सिस्टम को हम इसके पार्ट समझ लेते हैं, देन आफ्टर फिर हम ये समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, यहां से शुरू होगा आपका वैक्यूम ब्रेक सिस्टम। इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन है लेकिन बहुत ही इजी है, आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पे ब्रेक पैडल लगा हुआ है। जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा, यानी कि ब्रेक पैडल जैसे ही प्रेस करेगा, तो देखिए यहां पे लगा हुआ है मास्टर सिलेंडर। अब ये मास्टर सिलेंडर क्या है? मास्टर सिलेंडर वो होता है कि उसमें एक पिस्टन लगी होती है, और उस पिस्टन अरेंजमेंट में ये होता है कि एक साइड भरी होती है ब्रेक फ्लूइड, और जैसे ही आप ब्रेक पैडल अप्लाई करते हो तो ये ब्रेक पैडल आपका पिस्टन से कनेक्ट है, यानी कि पिस्टन रॉड से कनेक्ट है। पिस्टन रॉड जैसे ही आगे मूव करेगा तो होगा क्या, ये आपका भरा हुआ है ब्रेक फ्लूइड, यहां पे मैंने लिखा है ब्रेक फ्लूइड यानी कि लिक्विड है, और जैसे ही वहां पे आप पिस्टन अप्लाई फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये आपका ब्रेक फ्लूइड ऊपर की तरफ मूव करेगा इस पाइप के द्वारा। अब जैसे ही ये ब्रेक फ्लूइड ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां देख सकते हैं एक आपका छोटा सा और पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन मतलब जैसे ही ये ब्रेक फ्लूइड ऊपर जाएगा तो ये भी मूव करेगा। अब ये मूव करेगा दैट मींस यहां पे एक लगा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं पिस्टन रॉड नंबर वन, इसको नाम दीजिए पिस्टन रॉड नंबर टू। अब ये देखिए एक ही साथ ये लिंक है, यानी कि टोटल कहना चाहिए कि 1, 2 और 3 पिस्टन रॉड कनेक्ट है। अब ये पिस्टन रॉड जब मूव करेगा तो होगा क्या कि ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। क्या कंट्रोल करता है? ये एयर यानी कि एटमोस्फेरिक एयर और जो वैक्यूम है, इन दोनों को ये कंट्रोल करता है। एंट्रेंस आउटलेट कैसे देना है, किस तरीके से देना है, ये कंट्रोल करता है, इसी को हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। अब यहां पे मेन फंक्शन है, देखिए ये है आपका एयर। कौन सी एयर? एटमॉस्फेरिक एयर, जो कि बाहर से आ रही है। ये एयर आपके अंदर आई। अब यहां पे सबसे पहले चीज तो ये कि जो आप यहां पे मैंने आपको बताया कि जैसे ये मूव करेगा तो ये वाला जो रॉड है, यानी ये जो पिस्टन रॉड नंबर वन है, ये यहां पे जाके अटैक हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस कंट्रोल यूनिट पे, ये जाके यहां कुछ इस तरीके से प्लेस ले लेगा। ठीक, अब जब ये प्लेस ले लिया दैट मींस कि आपका यहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। यहां पे किसी भी तरीके की कोई भी एटमॉस्फेरिक एंट्रेंस नहीं हो रही है, लेकिन यहां पे जब ये क्लोज करेगा तो ये वाला भी एक साथ रॉड पे कनेक्ट है, तो पिस्टन टू सपोज मान लीजिए यहां पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से, तो फिर होगा क्या कि यहां से एयर आपकी ये अंदर आ जाएगी, यहां से आपकी एयर जो है ये अंदर आ जाएगी और यहां पे एयर आपकी भर जाएगी। दूसरी चीज, जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है ये हमेशा वैक्यूम से बड़ा होता है। ठीक, बड़ा होता है मीन्स ज्यादा होता है। एयर का जो फोर्स होता है, प्रेशर होता है, वो ज्यादा होता है वैक्यूम के अपेक्षा। यानी कि यहां पे अब क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक एयर एंटर आ गई क्योंकि पिस्टन टू ऊपर उठा, तो ये जो एटमॉस्फेरिक एयर थी साइड साइड से अंदर आ गई और ये अभी आपका वॉल्व क्लोज है। अब यहां पे जब एयर आ गई, यानी कि यहां पे एटमॉस्फेरिक एयर जब अंदर फील हो गई, तो अब इसको हम मूव, ये मूव करेगा, क्योंकि ये मूव करेगा दैट मींस यहां पे अगेन ये है आपका सर्वो सिलेंडर। अब सर्वो सिलेंडर यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एयर था एटमॉस्फेरिक एयर, ये यहां पे आई इस वाले चैम्बर पे, दैट मींस अगर ये कंप्रेस करेंगे तो दैट मींस यहां पे ये वैक्यूम भरा होगा, क्योंकि जैसे कि हमने यहां पे देखा था जब पिस्टन अप्लाई किए थे तो आखिर यही वाला तो हिस्सा वैक्यूम था ना, तो इसी तरीके से पिस्टन के इस साइड वाले हिस्से में वैक्यूम रहेगा, इधर में एयर रहेगा, और एयर का प्रेशर ज्यादा होता है तो एयर डेफिनेटली उसको वैक्यूम को प्रेस कर देगा, क्योंकि वैक्यूम हमेशा कम होता है, उसकी प्रेशर इंटेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर, तो एयर इसको कंप्रेस करेगा, और जैसे ही कंप्रेस करेगा तो ये वैक्यूम आपकी चली जाएगी आपकी ब्रेक अरेंजमेंट के तक। ये ब्रेक अरेंजमेंट आपके व्हील के व्हील पे लगी होती है। अब ये कैसे काम करता है ये चीज तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा। जैसे ही वैक्यूम एयर यहां आई तो होगा क्या कि ये कैम जो है, ये कैम आपका अभी फिलहाल है वर्टिकल डायरेक्शन पे, या फिर ये कहना चाहिए कि अभी नॉर्मल पोजीशन पे है, लेकिन जब ये वर्टिकल डायरेक्शन पे हो जाएगा, सपोज कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो ये एक्सपांड हुआ, अभी ये ऐसा था, लेकिन जब इसको हम रोटेट कर देंगे तो ये एक्सपांड होगा और यहां पर ये लगा हुआ है आपका ब्रेक शू। ये ब्रेक शू जाके यहां पर लगी होती ब्रेक लाइनिंग। ठीक है, ब्रेक लाइनिंग क्या काम करता है, जो कि आपका फ्रिक्शन और वियर और टियर होने से बचाता है, और जैसे ये इधर ब्रेक लाइनिंग के होते हुए ब्रेक ड्रम पे चिपकेगा, तो ब्रेक ड्रम पे जब चिपकेगा तो होगा क्या, आपकी गाड़ी का मोशन रुक जाएगा, या फिर आपकी व्हील ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो ये अरेंजमेंट यहां से शुरू हुआ, यहां से हमने एटमॉस्फेरिक एयर को यहां भेजा, वैक्यूम
कम होने के कारण से हमने यहाँ पे एयर को एयर का भेजा ताकि एयर की जो इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है तो वैक्यूम को वो दबा सके। वैक्यूम आगे मूव हुआ और वैक्यूम एयर जब यहाँ पे आया तो कैम रोटेट हुआ, कैम रोटेट हुआ तो हमारी ब्रेक शू एक्सपांड हुई, ब्रेक शू एक्सपांड हुई तो हमारा अल्टीमेटली ब्रेक अप्लाई हो गया। इस तरीके से आपका ये वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। जैसे ही आप ब्रेक पैडल आप रिलीज कर देते हैं, जैसे आप ब्रेक पैडल रिलीज कर देते हैं दैट मीन्स क्या होगा, ब्रेक पैडल आप रिलीज किए तो ये पिस्टन पीछे हो जाएगा, पिस्टन पीछे हो यानी कि ये सारे वॉल्व खुल जाएंगे तो ये वॉल्व वापस से अपने इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा जैसा कि मैंने डायग्राम पे बनाया था। और जब ये नीचे आ गया तो यहाँ पे आपके फिर से एटमॉस्फेरिक एयर आ जाएगी। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट किया जाता है जब ब्रेक पैडल अप्लाई करते हैं तो ऊपर हम एयर एटमॉस्फेरिक एयर को हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और अदरवाइज फिर हमारा वैक्यूम चैम्बर पर आ जाता है। अभी एक चीज़ यहाँ पे बचा हुआ है दैट मीन्स ये वाला पार्ट जो है ये मैंने आपको नहीं बताया। जो वैक्यूम अगर बच जाती है जो कि यूज में नहीं होती है या फिर ये कहना चाहिए कि जब आप ब्रेक पैडल रिलीज कर देते हैं तो ये जो वैक्यूम है तो यहाँ पे ये एक है वैक्यूम रिजर्व आया। अब भाई जैसा कि हमने एटमॉस्फेरिक एयर को यहाँ पे कलेक्ट करके आगे फॉरवर्ड कर रहे थे तो हमने वैक्यूम को भी स्टोरेज करना जरूरी है। तो ये वैक्यूम रिजर्व एयर क्या करता है कि जब आपकी वैक्यूम यहाँ से आती है या फिर ये कहना चाहिए कि जब ये वॉल आपका क्लोज हो जाता है, जब यहाँ पे अपने हमने ब्रेक पैडल अप्लाई किया था तो ये ऊपर गया था तो ये वाला जब क्लोज हो गया तो ये वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट हो गया और यही वैक्यूम आपके इस देख सकते हैं पूरा साइकिल है, कहीं से भी इसको जाने का रास्ता नहीं है। तो ये भी वैक्यूम यहाँ पे भी वैक्यूम रहेगा, यहाँ पे भी वैक्यूम, यहाँ पे भी वैक्यूम, यहाँ पे भी वैक्यूम, सब जगह वैक्यूम रहेगा। तो ये हमारा एक वैक्यूम रिजर्व आयर, लेकिन जैसे हम ब्रेक पैडल रिलीज कर देते हैं तो ये आला जो आपका वैक्यूम है ये आपके इस वाले रिजर्व में आके कलेक्ट हो जाता है, दैट्स कॉल्ड अ वैक्यूम रिजर्व आयर। यहाँ पे लगा हुआ है नॉन रिटर्न वॉल्व, यानी कि जो भी आपकी वैक्यूम बच जाती है जो कि आपकी यहाँ ब्रेक पैडल रिलीज करने के बाद जो वैक्यूम यहाँ से लौट के आती है तो ये आपका ब्रेक हम इसको रिलीज नहीं कर सकते हैं, नॉन रिटर्न वॉल्व है जो कि इस वॉल्व की मदद से आप एयर किसी तरीके का कोई लीकेज नहीं होगा। तो ये था आपका वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम कि किस तरीके से वैक्यूम ब्रेक सिस्टम काम करता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी जो भी क्वेरी होंगे तो उसको सॉल्व करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही और हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे ब्रेकिंग के और कितने टाइप्स होते हैं, इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम होता है, पावर ब्रेक सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिक ब्रेक सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलता है फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।